मैं तो अपने दोस्तों कहा करता हूं कि जब बच्चों को खर्ची के पैसे दें तो उस वक्त ही उनको थोड़े से ज्यादा दें और उनको कहें कि ये किसी अपने कमजोर दोस्त को देना, रास्ते के अंदर कोई साइल हुआ तो उसको देना, और वो भी उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए। ये जो नमाइश का जज्बा पैदा हो गया और ये जो सेल्फी का जमाना आया, और इसने तो रही सही कसर ही निकाल दी। वो किसी जमाने में कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और फिर वो जमाना आया कि नेकी कर अखबार में डाल, और अब नेकी कर फेसबुक पे डाल। अब तो वो तकवा, वो जो लिल्लाहियत, वो तो खत्म ही होती चली जा रही है। आजकल वो इज्तिमाई शादियों का एक रिवाज पैदा हुआ। एक दफा मजबूर होकर मुझे कहीं जाना भी पड़ा, तो वो मेरा पहला और आखिरी मौका था। तो मैंने वहां कहा कि आपने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है, मैं अच्छाई के कामों की तहसीन करता हूं, लेकिन ये मंजर आपका मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगा कि जिंदगी में तीन मरहले हर शख्स पे आते हैं। जब वो मेहमान खुसूसी होता है, जब वो पैदा होता है, काला कलोटा भी क्यों ना हो, सारे उसे देखने आते हैं। जब वो उरूसी का जोड़ा पहनता है, चाहे मर्द है चाहे औरत, तो उस वक्त भी सारे लोगों की निगाह का मरकज होता है। और तीसरा, जब सफेद कफन ओढ़ के आखिरी मंजिल की तरफ चलता है तो सारा शहर कहता है चलो उसका मुंह देखाएं। बल्कि उसका ये प्रोटोकॉल है कि इमाम काबा भी हो तो वो पीछे खड़ा होगा, इसके जनाजे को आगे रखा जाएगा। ये इसका एजाज है, ये इसकी तकरीम है। वक्त का खौस भी हो तो वो भी पीछे खड़ा होगा, इसका जनाजा आगे रखा जाएगा, ये इसका एजाज है। तो मैंने कहा ये तीन मौके होते हैं किसी कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब, आजिज से आजिज शख्स के लिए भी इज्जत के। और आज आपने इनसे ये मौका भी छीन लिया कि स्टेज के ऊपर मुखय्यर हजरात बैठे हैं और एक कतार में बेटियां बैठी और एक कतार में जो है वो दूल्हे बैठे हैं, और इन सब के रिश्तेदार सामने बाराती 20-20, 40-40 लोग आए हुए हैं, तो इन सब की गुरबत का हम अमलन मजाक उड़ा रहे हैं। आज यहां मैं किसी के चेहरे के ऊपर खुशी नहीं देख रहा। अगर मुस्कुराहट है तो वो मस्नूई मुस्कुराहट है। काश के इनके मां बाप के घरों में जाकर के तन्हाई के अंदर उनकी मदद करते और ये बेटियां अपने घर से निकलती और माजरा होता। अब इनकी गुरबत का गवाह आपने कितने लोगों को बनाया, और सिर्फ अपने इश्तिहार के लिए। तो ये मिजाज पैदा करें, इज्जत नफ्स ना किसी की मजरूह होने दें। सबसे कीमती शय इंसान की इज्जत होती है। कभी आपने देखा हो बारिश पड़ी हो और कीचड़ हो और कोई बंदा फिसल के गिर जाए तो वो बाद में देखता है कि मुझे चोट आई है कि नहीं, पहले ये देखता मुझे किसी ने देखा तो नहीं। इसका मतलब यह है उसको अपनी जान से अजीज अपनी इज्जत है। तो मत किसी की इज्जत पे उंगली उठाएं, मत किसी की तजलील का सबब बने, मत किसी की रुसवाई का जरिया बने। लोगों को इज्जत दें। जब तक गुलामी मौजूद रही, हुजूर ने फरमाया कि जो खुद खाते उसे खिलाओ, जो खुद पहनते उसे पहनाओ, वो तुम्हारे भाई लगते हैं, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो। जबकि वो आका का जूता बगैर इज्न के छू लेते थे तो आका इस पर भी कोड़े मारता था। लेकिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम मेराज से वापस पलटते और कहा बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। क्या ख्याल ऐसे एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी, और गुलाम फर्श सुत के फराज़ी अरश पे नहीं पहुंच गया होगा। ये इज्जत दी है। अल्लामा इकबाल अलैह रहमा ने वो जो अबू जहल का काबे के पर्दे को पकड़ के जारों के तार रोना है और हुजूर के खिलाफ रब से शिकायत करना है वो लिखा है, तो उसमें जो शिकायतें लगाता है अबू जहल काबे के गुलाफ को पकड़ के, तो उसमें एक शिकायत ये लगाता है कि आज मोहम्मद सीनाए मा जार जार, हमारा सीना बड़ा दुखी हो गया है, इस शख्स ने तो हमारे नज़म को खराब कर दिया है। बा गुलाम खेश बर यकखा नशिस्त, ये जो दीन लेकर आया है उस दीन के अंदर ये सबक है कि गुलाम और आका एक दस्तरखान पे बैठेंगे, और अगर गुलाम और आका एक दस्तरखान पे बैठ जाते हैं तो फिर कहां गया हमारा कुरैश का सरदार होना, तो ये तो हमारा सब सिस्टम तलपट हो जाएगा। लेकिन मेरे हुजूर ये दीन लेकर आए थे, इंसान की बुनियादी इज्जत को बहाल करना था। और हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर ने पांव तले जिस तरह किसी चीज को रौंदा जाता है इस तरह कुचलते हुए फरमाया, आज के बाद मैं तफाखुर खत्म करता हूं, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फख्र नहीं होगा, कोई फजीलत नहीं होगी, ना काले को गोरे पर और ना गोरे को काले पर। फजीलत का मायार क्या है, इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, जो मुत्तकी होगा अल्लाह के नजदीक वही इज्जत है।